जी के 5 लेक्चर 18 IAS 38 के MCQ भी पिछले लेक्चर के साथ अपलोड हो गए थे। अच्छा भाई, कल जो हमने बात की थी वो ज़रा एक दो मिनट में समरी उसकी सुन लें ताकि आज आपको वो बातें इजीली समझ आ जाएं। हमने कहा था लेसी जो है ना, लेसी अपने आप से 5 सवाल नहीं पूछता। लेसी अपने आप से 5, लेसर तो 5 सवाल पूछता था ना फाइनेंस ऑपरेटिंग के लिए, लेसी 5 सवाल नहीं पूछता। लेसी पूछता है अपने आप से 2 सवाल के, और ये दो बिल्कुल अलग अलग सवाल हैं, इंडिपेंडेंट। लेसी अपने आप से 2 सवाल पूछते हैं, क्या ये लीज शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म लीज है। शॉर्ट टर्म लीज होती है मोहतरम 12 महीने से कम की। तो लेसी अपने से एक सवाल ये पूछता है, क्या ये शॉर्ट टर्म लीज है? और दूसरा सवाल अपने से ये पूछते हैं कि क्या ये लो वैल्यू एसेट है? दोबारा बताएं, लेसी अपने से कौन से सवाल पूछते हैं? 2, क्या ये लीज 12 महीने से कम की है या ये लो वैल्यू एसेट है? अगर ये डिसाइड हो जाते हैं कि ये ऐसे शॉर्ट टर्म सी लीज है, 12-13 महीने की, बस सॉरी 10-11 महीने की लीज है, 8-9 महीने की लीज है, तो लेसी इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन निकालने के चक्रों में नहीं पड़ता, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वगैरह नहीं बनाता, इसकी बजाय सिर्फ रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेता है। सिंपल अप्रोच, रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, बस इतनी सी बात कल की थी, फिर आगे इसकी हमने एग्जांपल्स की थी। तो बता दें दोबारा जल्दी से, लेसी अपने से कितने सवाल पूछता है? 2, क्या ये लीज 12 महीने से कम की है, क्या ये एसेट कम कीमत का है? अगर इन दोनों में से एक का जवाब भी यस आ जाए तो लेसी कहता है फिर मुझे इंटरेस्ट डिडक्शन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं क्या रिकॉर्ड कर लूं? करंट एक्सपेंस। अच्छा जी, कल वाले नोट्स में आ जाएं, पेज नंबर 3, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट जरा पढ़े होते क्या हैं। कल हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, इनकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी। A lease, that at commencement date, जिसने लीज शुरू हो, has a lease term of 12 month or less. तो शॉर्ट टर्म लीज मोहतरम क्या होती है? कल वाले नोट्स किसी के पास ना हो, हाथ खड़ा कर दें। अच्छा, लीज जो 12 महीने या उससे कम की हो, डेट इज कॉल्ड एज बोले शॉर्ट टर्म लीज। अच्छा, उसके बाद भाई ये फोर्थ रो में नोट्स दे दो लास्ट में। अगला लीज, अच्छा 12 महीने वाली भी क्या होगी बोले इधर चौथी रो में, 12 महीने वाली भी क्या होगी? शॉर्ट टर्म लीज होगी। अच्छा, और 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने वाली भी शॉर्ट टर्म लीज होगी। अच्छा यार, ये जरा बात बताइएगा, इसका क्या मतलब है? अ लीज डेट, ये बात कल नहीं हुई थी, अ लीज डेट कंटेन्स अ परचेज ऑप्शन इज नॉट अ शॉर्ट टर्म लीज इवन इफ इट इज फॉर 12 मंथ और लेस। अच्छा देखें, अगर लीज है 9 महीने की, उसमें लिखा हुआ एंड पे तुम खरीद लेना, तो बता दें अब इसको क्या शॉर्ट टर्म लीज कहें या खरीद के तो वो काफी अरसा सर अपने पास रखेगा, तो फिर इसको शॉर्ट टर्म लीज नहीं कहेंगे। अब जरा बात गौर से सुनते रहिएगा, 9 महीने की लीज है, 10 महीने की लीज है, 11 महीने की लीज है, कोई परचेज ऑप्शन नहीं है, परचेज करने की कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये लीज क्या होगी? 9 महीने की लीज है, 10 महीने की लीज है, 11 महीने की लीज है, 6 महीने की लीज है, लेकिन परचेज करने की ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं होगी। वो तो वो देखते हैं आगे नीचे, वो अलग चीजें हैं। अच्छा मोहतरम, नेक्स्ट, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म लीज द चॉइस ऑफ अप्लाइंग द सिंप्लीफाइड अप्रोच मस्ट बी मेड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट टू विच द, अच्छा इसमें ना एक बात, अभी मैं क्लास पूरी होने का वेट कर रहा था, एक बात इसमें मैं पहले करता चलूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मे इलेक्ट नॉट टू अप्लाई, इस बात का क्या मतलब है? आप मुझे बताएं कि जो हमारी लेसी की नॉर्मल लीज होती है उसमें बैलेंस शीट के अंदर क्या आता है? राइट ऑफ यूज आता है, और बोले लीज लायबिलिटी आती है। बैलेंस शीट में आता है राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी, और P&L में क्या आता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो हमारी नॉर्मल लेसी होता है, ठीक है, जिसको लीज में नॉर्मल लीज कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं लेसी की बात करूं, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल लीज यानी आम पुरानी वाली, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म लीज हो और लो वैल्यू एसेट हो, तो ऐसी सूरत में हमने कहा था P&L में क्या आएगा? रेंट एक्सपेंस आएगा। क्लियर? ऐसी सूरत में P&L में आएगा रेंट एक्सपेंस। अच्छा, ये जो मोहतरम चीज है ना, इसको जरा आपने गौर से समझना है, ये चॉइस है, ये चॉइस है। इस बात का मतलब बड़े गौर से सुनिएगा, चॉइस का मतलब ये है,
अगर आपका लो वैल्यू एसेट भी है और आपका दिल चाह रहा है कि मैं लंबा काम करूं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस का कॉलम बनाऊं, पूरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाऊं, डेप्रिसिएशन निकालूं, इंटरेस्ट निकालूं, ये सब करूं, आपकी मर्जी है, आप इस मॉडल पे चल सकते हैं। अब जरा बात गौर से सुनिएगा, शॉर्ट टर्म लीज, लो वैल्यू एसेट और जो पुरानी लीज हम पढ़ रहे थे, ये तीनों लीजेस इस तरीके से आपका दिल चाहे तो करने तो करें, कोई मसला नहीं है, ये बेहतरीन तरीका है, मशहूर जमाना, पुराना पुराना और कदीम तरीका है, बाबा जी के जमाने का ये तरीका आइडियल और बेस्ट है। लेकिन अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो दो चीजों को निकाल के इधर ले आए, किन किन चीजों को, शॉर्ट टर्म लीज को और लो वैल्यू एसेट को। क्लियर हो गई ये बात? अब जरा मुझे बात गौर से बताइएगा, अगर एक एसेट की लीज की मुद्दत 3 साल है, अगर एक एसेट की लीज की मुद्दत, लेकिन वो एसेट क्या है, तो वो कहां फॉल करेगा, लो वैल्यू एसेट में। अब आपकी मर्जी है कि रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें या लो वैल्यू एसेट के साथ, ये सलूक भी किया जा इजाजत है। क्लियर होगी ये बात? इसी तरह एक लीज है 10 महीने की, आपका दिल चाह रहा है हर महीने का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल अलग अलग बनाऊं, कई दफा किस्तें महीनों के अंदर भी पे हो रही होती है, हर महीने किस्त पे हो रही है, तो लीज है 9 महीने की। अब देखने में कौन सी लीज है, लेकिन अगर आपका दिल चाहता है आप इस मॉडल पे कर लो, कोई मसला नहीं। क्लियर होगी बात? तो ये वाले इधर जा सकते हैं, ये वाले इधर। लेकिन अगर एक कार है जिसकी लीज 6-7 साल की है, तो कार 6-7 साल वाली उठा के इधर से इधर नहीं आ सकती। समझ आ गई बात? तो बता दें समरी या बात शॉर्ट, सेकंड रो में आ जाए। अच्छा, समरी या शॉर्ट फॉर्म में बात क्या हो गई, चाहे लो वैल्यू एसेट हो, चाहे शॉर्ट टर्म लीज हो, अगर हमारा दिल चाहे तो पुराने तरीके से कर सकते हैं, पुराने तरीके से, ये स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है। लेकिन आमतौर पे ऑब्वियसली आपको पता है पेपर में तो हम सिंपल अप्रोच लगाया करेंगे। ये लाइन जरा पढ़ के बताएं, अ लेसी मे इलेक्ट मे चूज, ये कल वाले नोट्स किसी के पास नहीं है तो हाथ खड़ा करें, कल वाले नोट्स इस रो में दे दें, कल वाले, आज वाले नहीं, और आपके पास है कल वाले नोट्स, आप कल आए थे, हाथ खड़ा करो। अच्छा, लेक्चर 17 वाले, अलेसी मे, अच्छा चुप, एक मिनट इधर देखें, अलेसी मे इलेक्ट नॉट टू अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स टू रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी। अगर आपका दिल चाहे तो राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड ना करें, अगर आपका इनमें भी दिल चाहे तो राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उर्दू में ये बात यहां लिख लें, STL शॉर्ट टर्म लीज और LVA लो वैल्यू एसेट, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट में अगर हमारा दिल चाहे पुरानी अकाउंटिंग करने का तो कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट में अगर हमारा दिल चाहे पुरानी अकाउंटिंग करने को तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी आधे घंटे बाद जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, अच्छा भाई इधर देखो मोहतरम, ये आपकी चेयर्स हैं और टेबल्स हैं। अच्छा, अब इनकी ब्रॉड कैटेगरी क्या है, फर्नीचर। क्लियर? नेक्स्ट, आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, कुछ पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पे कर लें इक्विपमेंट ले लेते हैं, कोई इक्विपमेंट आपके पास, उसमें प्रिंटर है और आपके पास फोटोकॉपी मशीन है, फोटोकॉपी मशीन। अच्छा जी, चेयर भी क्या है, लो वैल्यू, टेबल भी क्या है, लो वैल्यू एसेट। लो वैल्यू की बाद में बात करते हैं, इस मिसाल को लिखा रहने दें, पहले शॉर्ट टर्म लीज को खत्म कर लें। In case of short term lease, पहले मुझे बता दें इनकी treatment क्या होती है? Lessee will record the lease installments either as an on the कल हमने किया था over the period of lease or may expense it using other systematic basis. आपकी मर्जी है, straight line लगा दें, straight line नहीं लगाना कोई और method लगा दें। लेकिन अगर सवाल खामोश होता था तो कल वाले सवालों में देखें हमने क्या किया था, स्ट्रेट लाइन क्या था, 10,000, 12,000 और 15,000 की किस्त थी, हमने टोटल कितना किया था, 37,000, उसको किससे डिवाइड कर दिया था, 3 से डिवाइड कर दिया था। ओके, अच्छा जी,
शॉर्ट टर्म लीज में 0.2 हम समझ रहे थे, शॉर्ट टर्म लीज में 0.2, शॉर्ट टर्म लीज में 0.2 समझने के लिए एक है जी कार और दूसरा है मिसाल के तौर पे आप ले लें प्लांट। अब ये दोनों लो वैल्यू नहीं है, ये दोनों लो वैल्यू नहीं है। कार में आपके पास कोरोला भी है, कार में आपके पास टोयोटा की गाड़ी भी है, प्लांट में आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है जिससे आपने चीज़ें बनानी हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और प्लांट में आपके पास कटिंग मशीन भी है जिससे आपने चीज़ें काटनी हैं प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, और ये सारी महंगी महंगी चीज़ें हैं। अच्छा, ये करोला आपने किराए पे ली 4 महीने के लिए, टोयोटा आपने किराए पे ली 5 महीने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपने किराए पे लिया 6 महीने के लिए, कटिंग मशीन आपने किराए पे ली 7 महीने के लिए। मैंने माना ये लो वैल्यू नहीं है, लेकिन बोले ये क्या है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन क्या पड़ी है, 12 महीने या उससे कम के लिए। अच्छा यार मुझे एक चीज बताएं, ये लाइन क्या लिखी हुई है, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म लीज द चॉइस ऑफ अप्लाइंग द सिंप्लीफाइड अप्रोच मस्ट बी मेड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट टू विच द राइट ऑफ यूज रिलेट्स इट, द सिंप्लीफाइड अप्रोच मस्ट बी मेड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट टू विच द राइट ऑफ यूज रिलेट्स। अच्छा जी बता दें, करोला और टोयोटा किस क्लास से बिलोंग कर रही हैं, कार से, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और कटिंग मशीन किस क्लास से बिलोंग कर रही हैं, बोले 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 प्लांट से। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इन दोनों में से कह दें इस पे तो मैं शॉर्ट टर्म लीज लगा देता हूं और इसका मेरा दिल नहीं चाह रहा टोयोटा करोला का, तो इसमें मैं कौन सा मॉडल लगा दूं। जो हजरात लेट आए हैं, मैंने इनको एक चीज आने से पहले बताई है, लेट आने वाले सुन लें कि शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट वाले एसेट भी अगर आपका दिल चाहे तो पुराने मॉडल पे कर सकते हैं, ये इजाजत अवेलेबल है। लेट आने वाले एक छोटी सी बात सुन लें, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट अगर आपका दिल चाहे तो पुराने मॉडल पे ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन मोहतरम ऐसा नहीं कर सकते कि करोला किसमें रखें आप, शॉर्ट टर्म लीज में, और टोयोटा को कहें मैं दूसरे पुराने वाले मॉडल में ले जाऊं। जब आपने करोला रख ली तो फिर सारी गाड़ियों को ही मुनासिब है कौन से मॉडल पे रखें, शॉर्ट टर्म लीज पे, क्लियर होगी ये बात। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका दिल चाहे तो प्लांट्स को शॉर्ट टर्म लीज में ना रखें, क्योंकि ये क्लास ही बदल गई है, ये क्लास कार्स की है या ये क्लास प्लांट्स की है, प्लांट्स की है। ये बात अपने समझ आ रही है, इन केस ऑफ द चॉइस ऑफ अप्लाइंग द सिंपल अप्रोच मस्ट बी मेड बाई क्लास ऑफ एसेट, हर क्लास की अलग क्लासिफिकेशन आप बना सकते हैं। गाड़ियों को दिल चाहे तो किस पे रख लें, शॉर्ट टर्म लीज और सिंपल अप्रोच, क्या रिकॉर्ड करें, रेंट। अगर दिल चाहे तो प्लांट्स को सिंपल अप्रोच ना लगाएं बल्कि क्या करें, नॉर्मल लगा दें, इंटरेस्ट और डिविडेंड चार्ज कर दें, खास कर दें, क्लियर होगी बात। अच्छा अब इसको नोट कैसे करेंगे आप, ये दोनों क्लासेस हो गई, मेरा दिल चाहे तो इनको क्या कह दूं, शॉर्ट टर्म लीज, और फिर क्या रिकॉर्ड करूं, यार ये लीज तो दोनों ही शॉर्ट टर्म है, प्लीज ये लीज तो दोनों ही शॉर्ट टर्म है, लेकिन इसमें मैं क्या रिकॉर्ड करूं, रेंट, अच्छी बात है, सिंपल अप्रोच में लगाना चाह रहा हूं, और इसमें मैं क्या रिकॉर्ड करूं, इंटरेस्ट, और अब मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है। लेकिन इधर देखें, एक मैं काम करने लगा हूं, ये कर सकता हूं मैं कि इसको रेंट में डाल दूं और इसका इंटरेस्ट और डिपोजिशन रिकॉर्ड कर दूं, फिर एक क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो जाएगी ना। तो ये जी 0.2 की एग्जांपल है, ये नोट कर लें। लेट किस्तें होती हैं, महीने महीने की किस्तें बना देते हैं, लेट पेमेंट्स होती हैं, क्यों नहीं होती, क्या चीज, वो तो फिर पूरी लीज में ही आप ये कह सकते हो, तो आप 6 महीने वाली कर, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, तो पूरे कई दिन गुजर जाते हैं इसमें, तो हाँ डेप्रिसिएशन आप 6 महीने की निकालो नॉर्मल, तो फिर कोई मसला नहीं, 6 महीने की हाँ, तो वो जो ऐसे हमारी बुक्स में रखेंगे, फिर राइट ऑफ यूज लीज लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे, फिर सब कुछ होगा, फिर नॉर्मल अप्रोच लगेगी, इंटरेस्ट आएगा, और बोले बोले बैलेंस शीट में क्या आएगा, राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी। तो हर क्लास के लिए अलग चीज आप यूज कर सकते हैं, वो तो वैसे ही नॉर्मल लीज है ना, उसमें तो चक्कर ही नहीं, वो तो शॉर्ट टर्म है ही नहीं, नहीं 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 वो जरूरी नहीं है। किसमें शॉर्ट टर्म लीज एंड कहाँ पे कह रहे हो, अच्छा शॉर्ट टर्म लीज, नहीं नहीं वो तो बता रहे थे शॉर्ट टर्म लीज भी और लो वैल्यू भी,
इन पे सिंपल अप्रोच लगा सकते हैं, ये नहीं कि दोनों एक वक्त में पूरी होना जरूरी है। ओके जी आगे चलें, लो वैल्यू एसेट्स, लो वैल्यू एसेट मोहतरम क्या होता है? लो वैल्यू एसेट, लो वैल्यू एसेट्स की एग्जांपल्स पढ़ें, लो वैल्यू एसेट्स की एग्जांपल्स, नंबर वन टेलीफोन सिस्टम्स, टैबलेट्स एंड स्मॉल आइटम ऑफ ऑफिस फर्नीचर, आईटी इक्विपमेंट सच एज, ये कौन से एसेट्स हैं? बोले बोले बोले, लो वैल्यू एसेट्स। अच्छा जी, अब लो वैल्यू एसेट की ये तो एग्जांपल्स हैं, लो वैल्यू एसेट की डेफिनेशन पढ़ें। एन एसेट कैन बी ऑफ लो वैल्यू, लो वैल्यू एसेट होने के लिए दो शराइत हैं, दो शराइत हैं। नंबर वन, आप अपने पैसों से खरीद सकते थे लेकिन आपके दिल में नहीं आया इसलिए आपने नहीं खरीदा। आप अपने पैसों से खरीद सकते थे लेकिन आपके दिल में अपने पैसों से खरीदने का नहीं आया इसलिए आपने अपने पैसों से नहीं खरीदा। और दूसरी शर्त यह है लो वैल्यू एसेट में, ये जो लो वैल्यू एसेट आपने खरीदा है इसका आपके बाकी एसेट से कोई इंटरलिंक नहीं है, यानी बाकी एसेट इस पर डिपेंडेंट नहीं है, बाकी एसेट इस पर डिपेंडेंट नहीं है। कई एसेट्स होते हैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे मैं मिसाल दूं, कई मशीनें होती हैं फैक्ट्री के अंदर, एक मशीन में से चीज गुजरती है तो इस काबिल होती है कि अगली मशीन में जाए, और अगर वो एक पहली वाली मशीन रुक जाए तो अगली सारी मशीनों की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। और क्या कहते हैं जी, पहली वाली मशीन से चीज कट ही नहीं रही, चीज कटेगी तो अगली मशीनों में जाके पेंट होगी और बाकी सारे काम होंगे। तो लो वैल्यू एसेट की दो करेक्टरिस्टिक्स बताएं, नंबर वन आप बोले 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 आप अपने पैसों से खरीद सकते हैं लेकिन नहीं खरीदा आपने, वो आपकी मर्जी, आप अपने पैसों से खरीद सकते हैं। नंबर टू, वो एसेट ऐसा एसेट है जिसका दूसरे एसेट से कोई ताल्लुक या दूसरे एसेट्स उस एसेट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। आप पढ़ें सर, एन एसेट कैन बी ऑफ लो वैल्यू एसेट इफ द लेसी कैन ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ एसेट With own resources available to, own resources से मुराद लिखें own cash, आपका अपना cash, आप अपने cash से अगर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं तो फिर ये low value के asset बन जाएगा, क्योंकि आप तो खरीद सकते थे लेकिन फिर भी आप इस तरफ चले गए, lease की तरफ चले गए। An asset can be of low value if lessee can obtain benefit from its use with own resources available to lessee. Own resources से क्या मुराद? With cash available to lessee, और उर्दू में मतलब या इंग्लिश में आसान, means can be purchased by lessee. अंडरलाइंग एसेट क्या होता है जिसका जिक्र हो रहा है? एन अंडरलाइंग एसेट इज नॉट हाईली डिपेंडेंट ऑन, ना दूसरे एसेट्स पे डिपेंडेंट है और नॉट इंटर रिलेटेड विद दूसरे एसेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये वैसे भी चल सकता है, दूसरे एसेट ना भी हो तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या दूसरे एसेट को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी दूसरे एसेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे पॉइंट की लॉजिक ये है कि अगर आप लो वैल्यू एसेट्स, मिसाल के तौर पे आपका कोई ऐसा लो वैल्यू एसेट है जिसे आपने कह दिया ये लो वैल्यू है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि दूसरी चीजें उसके बगैर चल ही नहीं सकती, तो स्टैंडर्ड कहता है इसके साथ लो का नाम लगाना मुनासिब नहीं है, ये तो मेन चीज है जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन पूरी चल रही है। ओके हाँ, थोड़ा बहुत अगर डिपेंडेंसी है तो फिर खैर है, हाईली डिपेंडेंट ना हो ये कह रहा है वो। अच्छा जी, ये हो गया जी लो वैल्यू एसेट की डेफिनेशन। नेक्स्ट, the assessment of whether or not an asset is considered to have a low value is based on its value when it was new, it is not based in any way on leased assets current value. Pehle isko urdu mein samjhe fir english mein samajh le, aapke paas fx gaadi hai, ab gaadiyan to aam taur pe mana ki wo model uska out ho gaya hua hai to gaadi aam taur pe 2.5 3 lakh se sasti nahi milti, lekin wo fx gaadi aapko is waqt ek bazaar se bahut purani 40,000 ki mil rahi hai। अब आप गाड़ी को देख के कहेंगे यार ये लो वैल्यू की गाड़ी है, लेकिन स्टैंडर्ड कह रहे हैं नहीं यार, इसकी आपने जो है ना एग्जैक्ट जो करंट मार्केट वैल्यू है वो देख के डिसाइड नहीं करना ये लो वैल्यू है, बल्कि अगर इससे ऐसी नई मिले तो बताएं कितने की मिले, उस बुनियाद पे क्या डिसाइड होगा ये लो वैल्यू है या हाई वैल्यू है। पढ़ें जी, द असेसमेंट वेदर और नॉट एन एसेट इज कंसिडर्ड टू हैव अ इज बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज न्यू, इट इज नॉट बेस्ड इन एनी वे ऑन लीज्ड एसेट्स करंट वैल्यू, आज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस वैल्यू पर डिपेंड करता है, अगर इससे ऐसा नया मिले तो कितने का मिलेगा। ओके, लो वैल्यू एसेट इज डिसाइडेड ऑन लीज बाय लीज बेसिस रादर देन क्लास, उल्टी चीज है इधर, इधर क्लासेस नहीं बनानी, इधर लीज बाय लीज डिसाइड होगा, इधर क्लासेस नहीं बनानी, ऊपर क्या बनानी थी शॉर्ट टर्म लीज में, क्लासेस बनानी थी, इधर लीज बाय लीज डिसाइड होगा। अब इसकी एग्जांपल समझें, किसकी एग्जांपल, पॉइंट नंबर 3 की, कंप्यूटर,
ये सुना मेरा सुपर कंप्यूटर्स, ये गेमिंग कंप्यूटर्स टाइप, ये 12 लाख रुपए का ही कंप्यूटर है। और जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर है जो हम खरीदते हैं जाके, अगर मैं लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, तो शायद 25-30 हज़ार 40 हज़ार तक का ही आपको मिल जाता है। क्लियर? आप मुझे बता दें, ये क्लास तो किसकी है? कंप्यूटर्स की। लेकिन इसमें क्लास को नहीं देखना लो वैल्यू में। लो वैल्यू में सोचे सोचे क्या कह रहा है, लो वैल्यू में लीज को क्लास में कैटेगराइज कराना है या एसेट वाइज देखना है? एसेट वाइज देखना है। आप बताएं जी क्या लिखा हुआ है? लो वैल्यू एसेट इज डिसाइडेड ऑन लीज बाय लीज बेसिस रादर देन क्लास। इन दोनों की क्लास तो क्या है? एक ही है, लेकिन लीज बाय लीज देखेंगे। अब आप डिसीजन बता दें जी क्या लेंगे। इसको हम डाल देंगे लो वैल्यू में, और इसको हम लो वैल्यू का क्या मतलब, पी एंड एल में क्या आएगा? रेंट एक्सपेंस। और ये हमारा नॉर्मल तरीके से ट्रीट होगा। नॉर्मल तरीका का क्या मतलब है, आप इसका पी एंड एल में क्या आएगा? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन और राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी। नोट करें, तो इसमें आप लीज बाय लीज देखेंगे। जी जी, इस तरह के लो वैल्यू एसेट्स की क्या लिमिट होगी, कितने रुपए का एसेट होगा? मोहतरम स्टैंडर्ड ऐसी बातें नहीं बताता, स्टैंडर्ड ऐसी बातें नहीं बताता। इस वक्त स्टैंडर्ड आया था, पता नहीं उस वक्त उसमें लिखा था शायद $500 उसने लिख दिया था। जब उसने स्टैंडर्ड बनाने वाले ने $500 लिख दिया ना, तो लोगों ने बड़ा एतराज किया कि यार ये मटेरियलिटी हमारे पे छोड़ो, तुम डिसाइड ना करो। इसलिए स्टैंडर्ड बना, उसमें से $500 निकल गया। $500 का लफ्ज जब उन्होंने निकाला, तो फिर उन्होंने ये उठा के डेफिनेशन डाल दी। क्या डेफिनेशन डाल दी? जो चीज़ आप अपने पैसों से खरीद सकते हो और बाकी चीज़ों से ज्यादा लिंक नहीं कर रही, वो क्या होगी हमारी नज़र में? लो वैल्यू एसेट होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर कबीर हो, आपको मैं तो गाड़ी भी, मैं तो जहाज भी अपने पैसों से खरीद सकता हूं। इसका मतलब है नॉर्मल चीजें जो हल्की फुल्की डेली यूज की। तो इसलिए आई कैप इसमें ना जजमेंट आपसे प्लीज अप्लाई नहीं करवाता। ये बड़ी जजमेंटल चीजें हैं, ये बड़ी जजमेंटल डेफिनेशन है। जो चीज अपने पैसों से खरीद सकते हो, हर बंदे का एक लेवल है अपने पैसों से खरीदने का। इसलिए ये चीजें आई कैप इस तरह आपसे टेस्ट नहीं करवाता, ये कम से कम एमसीक्यू के लेवल पे आएंगी। आई कैप क्या करता है, आई कैप अगर न्यूमेरिकल्स दे रहा है तो उसमें ये वाली चीजें डाल रहा है जो स्टैंडर्ड ने सीधी सीधी एग्जांपल्स दी हुई है, वो आपको इतना परेशान नहीं करा। तो वो ये तो स्टैंडर्ड जरा बारीकियों में चला गया, दुनिया में पता नहीं क्या हो रहा होता है। तो आई कैप आपके लेवल पे ये वाली एग्जांपल्स दे देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये कौन से एसेट्स हैं। दोबारा याद कर लें इनको, टेलीफोन सिस्टम्स, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर, स्मॉल आइटम्स ऑफ फर्नीचर, आईटी इक्विपमेंट सच एज लैपटॉप्स। चलें जी, हाँ हाँ, ये मैं यही दिखाने लगा था। तो इसमें क्लास बाय क्लास जाना है या इसमें लीज बाय लीज जाना है? लीज बाय लीज जाना। ओके, नेक्स्ट, आखिरी बात। अच्छा भाई, अब आपने फर्ज करें मोबाइल्स, टैबलेट्स लो वैल्यू है तो मोबाइल्स तो ऑब्वियसली लो वैल्यू होंगे, कंप्यूटर लो वैल्यू है तो मोबाइल तो ऑब्वियसली लो वैल्यू एसेट होगा। आपने बहुत से मोबाइल खरीदे, वो सारे मोबाइल लो वैल्यू है, मोबाइल 1, 2, 3, 4, 5 सारे मोबाइल लो वैल्यू है। वो लो वैल्यू मोबाइल आगे सब लीज पे दे दिए, सब लीज हमारे सिलेबस में नहीं है, वो लो वैल्यू मोबाइल आगे किस पे दे दिए? तो अब वो जो लो वैल्यू मोबाइल हैं उनको आपने लो वैल्यू एसेट नहीं कहना, क्योंकि आप इनसे इनकम कमाने लग गए हो। तो इनको आपने लो वैल्यू होने के बावजूद भी लो वैल्यू नहीं कहना। पढ़ें, इन केस लेसी इंटेंड्स टू सब लीज द लो वैल्यू, है एसेट लो वैल्यू लेकिन किस पे दे दिया? आगे किराए पे दे दिया। द लेसी मे नेवर अकाउंट फॉर हेड लीज एज लो वैल्यू। हेड लीज बता सकते हैं? हेड लीज, यहां देखें दो लीजेज आ रही हैं। आप एमसीबी बैंक के पास गए और एमसीबी बैंक से कहा कि मुझे 50 मोबाइल लीज पे चाहिए, 50 मोबाइल आप लीज पे लेके आ गए, ये तो हो गई हेड लीज, मेन लीज जिसे कहते हैं, मेन कह सकते हैं हेड लीज की जगह मेन लीज। उसके बाद आपने फिर आगे वो 50 मोबाइल खुद लेके आगे 50 लोगों को एक एक को सब लीज कर दिए, तो ये कौन सी लीज होगी? सब लीज। अब आपने बैंक से कौन से मोबाइल लीज पे लिए हैं? छोटे छोटे मोबाइल लीज पे लिए हैं, और वो सारे कौन से एसेट्स हैं? लो वैल्यू एसेट्स हैं, लेकिन फिर भी आप उनको लो वैल्यू एसेट, क्योंकि आप उनसे क्या जनरेट करना शुरू कर दिए हैं, डायरेक्ट उनको लीज पे देके इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया आपने। इसलिए स्टैंडर्ड कहते हैं इनको लो वैल्यू ना को। इन केस लेसी इंटेंड्स टू सब लीज द लेसी मे नेवर अकाउंट फॉर हेड लीज एज, दैट इज हेड लीज विल हैव टू बी रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे कैसे लीज रिकॉर्ड होती है, किसी को पता है? बैलेंस शीट पे कैसे लीज रिकॉर्ड होती है? राइट ऑफ यूज के नाम से, तो ऑन बैलेंस शीट और लीज लाइबिलिटी के नाम से। बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज भी आता है और बोले क्या आता है? लीज लाइबिलिटी। इवन इफ इट इन्वॉल्व्स एन एसेट दैट वुड अदरवाइज सेट टू हैव अ
चाहे अदरवाइज इसका नाम क्या है मोबाइल का, लो वैल्यू एसेट। फिर भी शॉर्ट टर्म के बारे में ऐसी बात उसने नहीं की, चीजें मिक्सअप ना करो। अच्छा जी, अब ये बातें कोई रटा रुटा आपने मारनी नहीं है, और ये स्टैंडर्ड के पैराज तो वैसे अवेलेबल हैं, मैंने लिख भी दिए हैं स्टैंडर्ड के पैराज यहाँ, पैरा 8 अपेंडिक्स सेव IFRS 16 और पैरा B5, ये कहीं से ढूंढ डांड के ये लिख भी दिए हैं आपको, किसी दिन अगर टाइम मिला दिखा भी दूंगा मैं स्टैंडर्ड से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जरा डिवाइस कर लें, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कोई इक्का दुक्का बात इंपॉर्टेंट हुई मैं अलग से आपको बता दूंगा, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा रिवीजन मार लें। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म लीज से शुरू करें। 12 महीने की लीज क्या होती है? शॉर्ट टर्म। 9 महीने 10 महीने की लीज? लेकिन अगर 9-10 महीने की लीज आपने परचेज ऑप्शन डाल के ले ली तो फिर वो लीज शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लीज आपने कैसे क्लासिफाई करनी है? क्या आपका दिल चाहे तो पूरी क्लास को शॉर्ट टर्म लीज में डाल दें और दूसरी पूरी क्लास को नॉर्मल तरीके से डील कर लें? देख रहे हो आप। अगली बात, लो वैल्यू एसेट क्या होता है? जिसको अपने पैसों से खरीद सकता है और बाकी एसेट से इसका खास लिंक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट 2, ये डिसाइड करना कि एसेट लो वैल्यू है या हाई वैल्यू है, उसकी आज की वैल्यू लगवानी पड़ेगी या उस जैसा नया कितने का मिलता है? अगली बात, अगर लो वैल्यू एसेट्स हैं आपके पास और उसी क्लास में आपके पास हाई वैल्यू एसेट्स भी हैं, तो क्या आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं या अलग अलग लेना पड़ेगा? अलग अलग देखना पड़ेगा। और आखिरी बात, अगर आपने लो वैल्यू एसेट को आगे लीज पे दे दिया तो जो लो वैल्यू एसेट को आपने खुद लीज पे लिया था किसी से, तो वो लो वैल्यू करार नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी, एग्जांपल्स जल्दी जल्दी करना शुरू करें। क्या हाँ, कंप्यूटर के साथ जो सॉफ्टवेयर आता है वो तो वैसे ही IS 16 प्लस पे लगता है ना, और कंप्यूटर्स को हमने लो वैल्यू वैसे ही कह दिया। लेसी एक्वायर्ड अ कार फॉर 9 मंथ्स। जी मोहतरम, कार तो हाई वैल्यू है लेकिन अच्छा, आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सौदा सौदा सी बातें, आप जो इतनी बारीकियों में आप गए ना वो छोड़ दें। आप अपने लिए दो बातें याद रखें, लो वैल्यू होता है एसेट कम कीमत वाला, और शॉर्ट टर्म लीज कौन सी होती है? बस ये दो बातें याद रखें और ये न्यूमेरिकल शुरू है। लेसी एक्वायर्ड अ कार फॉर 9 मंथ्स ऑन लीज एट अ मंथली रेंटल ऑफ 10,000। माना कि मोहतरम कार जो है वो हाई वैल्यू है, लेकिन यार ये लीज तो 9 महीने की है ना, इसलिए लीज को क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म लीज होने की वजह से बोले रेंट को किसमें डाल देंगे? इसमें। लेकिन दिस एंट्री विल बी पास्ड इन ईच मंथ, हर महीने यही एंट्री पास की जाएगी, क्लियर? क्योंकि महीने का किराया कितना है? इकल वाले नोट्स हैं। अच्छा, लेसी एंड लेसर एंटर इनटू अ 5-ईयर लीज। यार ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया, ये कॉन्सेप्ट आई के अपने किताब में डाला हुआ है। लेसी एंड लेसर एंटर इनटू अ 5-ईयर लीज, कितने अरसे के लीज में एंटर हुए हैं? बोथ कैन कैंसिल द लीज एट एंड ऑफ एनी ईयर, दोनों किसी भी वक्त लीज कैंसिल कर सकते हैं। तो यार ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया, इसको भी स्टैंडर्ड आई कैप कहते हैं कि ये कौन सी लीज है? शॉर्ट टर्म लीज है। क्यों? अनसर्टेनिटी है ना, हो सकते पहले साल खत्म हो जाए, हो सकते दूसरे साल लीज खत्म हो जाए। ओके जी मोहतरम, एग्जांपल 3, लेसी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज ऑफ विद अ परचेज ऑप्शन। ये शॉर्ट टर्म लीज है या शॉर्ट टर्म लीज नहीं है? ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं है। अच्छा, इसको एग्जांपल 4 को छोड़ें फिलहाल, 5 आपको कल करा दी थी। 6, अच्छा जी, ऑफिस बिल्डिंग और वेयर हाउस शॉर्ट टर्म लीज है या नहीं है? बोले बॉस, अच्छा शॉर्ट टर्म लीज नहीं, सॉरी, लो वैल्यू। लो वैल्यू है या नहीं है जल्दी बताएं? लो वैल्यू कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ लो वैल्यू है? अच्छा जी, ऑफिस फर्नीचर लो वैल्यू है या नहीं है? है। कंपनी कार लो वैल्यू है या नहीं है? लो वैल्यू नहीं है। कुछ सेल्स वाले बंदों के लिए, कुछ सीनियर मैनेजर्स के लिए डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज है गाड़ियों की और डिफरेंट किस्म की गाड़ियां हैं। गाड़ी इन इट सेल्फ ही लो वैल्यू एसेट नहीं है, स्टैंडर्ड ने वाजे भी लिखा हुआ लो वैल्यू नहीं है। अच्छा, उसके बाद ट्रक आपने, वैने आपने लीज पे ले ली है, ये भी लो वैल्यू नहीं है। IT इक्विपमेंट सच एज लैपटॉप्स वगैरह लीज पे ले ली, ये लो वैल्यू हैं। अच्छा जी, एग्जांपल 7 कल मैं कराना चाह रहा था, आप नहीं करना चाह रहे थे, तो इस पे 1-2 मिनट हम लगाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एंटिटी ए लीजेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कितने सालों के लिए लीज पे लिए? शॉर्ट टर्म लीज नहीं है ये। द टोटल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट व्हेन न्यू इज, जब अगर नया बाजार से खरीदे तो कितने का मिल जाएगा? सिर्फ 5,000 रुपए का मिल जाएगा। डिटर्मिंड बाय एंटिटी ए टू बी, और हमने डिसाइड कर लिया इसकी बेकीमत सी चीज है, ये लो वैल्यू है। एंटिटी ए इलेक्ट्स टू अप्लाई द लो वैल्यू, ये लाइन समझ आई? एंटिटी ए इलेक्ट्स टू अप्लाई द लो वैल्यू एसेट एग्जेम्पशन। एंटिटी ए ने लो वैल्यू एसेट में इधर जाना पसंद नहीं किया, बल्कि एंटिटी ए ने कहा मैं सादा तरीका ही लगाना पसंद करूंगी। और एक बात याद रखिएगा, अगर सवाल साइलेंट हो तो हम इन दोनों में हमेशा सिंपल तरीका ही लगाया करेंगे, जैसे कल की क्लासों में हम लगा रहे थे, लेकिन ये लाइन ने जरा रिवीजन करा दी हमारी वो पड़ी हुई बात की। एंटिटी ए ने क्या चूज किया? याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट में अगर हमारा दिल चाहे, जैसे उधर नहीं होता था कभी फाइफो यूज करें, वेटेड एवरेज यूज करें, हमारी मर्जी होती थी, तो शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट में चॉइस अवेलेबल है। अगर दिल चाहे तो पुराने तरीके से अकाउंटिंग कर लें, ना दिल चाहे तो
वो जो कल नई अकाउंटिंग पड़ी थी सिंपल वाली वो कर सकते हैं। एग्जेम्पशन का मतलब है इनको छूट है राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने से, ये कल मतलब बताया था एग्जेम्पशन का। एंटिटी ए ने चूज कर लिया है लो वैल्यू एसेट्स एग्जेम्पशन को। एग्जेम्पशन क्या थी कि अब बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज लीज लाइबिलिटी शो नहीं करेंगे, और अब पी एंड एल में सिर्फ क्या नजर आएगा, रेंट एक्सपेंस। अच्छा जी, ईयर वन का रेंट कितने है? सिफार। ईयर टू और थ्री का 1750 और 1750। ईयर फोर एंड फाइव का 1500। अब अगर मैं आपके सामने ये कैलकुलेशन करूं तो ईयर वन का रेंट 0, ईयर टू का 1750, ईयर थ्री का, ईयर फोर का, ईयर फाइव का 1500। सोच के बताएं मैं 6500 को किससे डिवाइड करूं। हाँ, लीज 5 साल की है। ये जो होते हैं ना सिफर रुपए किराया दे दो, ये मुफ्त की दुनिया नहीं है, याद रखिएगा। दुनिया वाले इतने अच्छे नहीं है मुफ्त में चीजें दे। ये मुफ्त किराया दे के आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है, आगे इंशाल्लाह जो है वो परेशान ना हो, आगे इंशाल्लाह जो है वो टीका लगा दिया जाएगा, आगे इंशाल्लाह टीका लगा दिया जाएगा। पता नहीं यार जी, इधर से लोग चीजें बेच रहते हैं। 500 रुपए की दवाई डॉक्टर ने दी तो मरीज जो है वो उधर मौजूद था, मरीज ने कहा शुक्र है दवाई दे दी है, टीका नहीं लगाया। तो निकलते किसी ने कहा भाई 300 का इसमें टीका ही लग गया, तो ये 200 की दवाई थी। अच्छा, तो ये टीका ही लगाया इसे, ये देखने में उसे अट्रैक्ट किया जा रहा है कि तुझे 0 रुपए किराया लिया जा रहा है, असल में 1750 1750 1500 1500 को ज्यादा किराया लिया जा रहा होगा, इस वजह से आपको इसमें इस साल का किराया क्या हो गया, माफ हो गया। लेकिन मुझे बता दें लेसी ने जो चीज़ इस्तेमाल की है वो तो 500 साल तकरीबन बराबर ही इस्तेमाल की होगी ना, तो इसलिए बताएं क्या ये मेरा रेंट एक्सपेंस है या ये पेमेंट है। बोले ये रेंट एक्सपेंस है या पेमेंट है, ये पेमेंट है मेरी। एक्सपेंस में कैसे निकालूंगा, जिस तरह इनकम निकालते थे 6500 डिवाइडेड बाय 5, तो व्हाट इज माय खर्चा पर ईयर, तो खर्चा किस लाइन पे रिकॉर्ड हुआ, स्ट्रेट लाइन पे। और ये जो पेमेंट्स हैं ये तो अलग अलग हमें नजर आ रही है। तो अब एंट्रीज तो वही है जो कल की थी। एंट्रीज क्या है, गया खर्चा हुआ, गया खर्चा हुआ, गया खर्चा हुआ, गया खर्चा हुआ, गया खर्चा हुआ। अच्छा, अब एंट्रीज बता दें क्या बनेगी। सबसे पहली एंट्री गया की, रेंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये 0 रुपए की एंट्री हो गई। इसकी एंट्री रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेबल क्रेडिट। 1750 की एंट्री रेंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, इसकी एंट्री रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट। अच्छा, मैंने ना पहली एंट्री नहीं लिखी हुई, तो पहली एंट्री मैं लिख देता हूं आपके लिए। पहली एंट्री नहीं लिखी हुई का मतलब देखें इधर सारे ऊपर, ये देखें ना ईयर टू की 2 लिखी हुई है, फिर आगे देखें ईयर थ्री की 2 लिखी हुई है, लेकिन अनलकीली ईयर वन की मैंने, तो एक समझने के लिए और डाल लें आप, ऑनलाइन वाले पता नहीं क्या करेंगे। 31/12 है वो, तो सारा सवाल का सलूशन बनाएंगे तो वहां लिख लेंगे फिर। 31/12 ईयर वन बोले जी क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ रेंट पेएबल डेबिट, अपने समझने के लिए ताकि बात समझ आ जाए, कितने रुपए, 0 रुपए। लेकिन खर्चा कितना है इस महीने का, और अगर गलत अकाउंटिंग करते तो हम क्या समझते खर्चा 0 है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ट्रांजेक्शन की रियलिटी देखी जाती है, लीगल फॉर्म नहीं देखी जाती। लीगल फॉर्म क्या मैंने किराया नहीं देना, लेकिन हकीकत क्या मैं चीज इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसलिए कुछ ना कुछ खर्चा रिकॉर्ड करूं मैं। तो एंट्रीज वही मशहूर है जमाना, नीचे टी अकाउंट भी उसी तरह बना हुआ जैसे कल बना हुआ था, और चलते चलते एग्जांपल 8 आ गई हमारी। ओके, अच्छा अब कल वाले नोट्स में ना एक चीज रह गई है, वो अब मैं करवा नहीं रहा क्योंकि ऐसी थ्योरी ज्यादा करवाएं तो थ्योरी हो जाती है बंदे को। ये लेसर के डिस्क्लोजर है, इसको छोड़े परे, टाइम मिला तो करेंगे। आज वाले नोट्स निकाल लें। ओए हो, गेम ऑन होने लगी है। आज वाले नोट्स निकालो बांटो भाई, आज वाले नोट्स। क्या करें, वो कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, सारे आप जैसे नहीं होते बात को पकड़ने वाले। बच्चे तो इतने सादा होते हैं कि मोबाइल के अंदर पीडीएफ की फाइल आ गई है, लैपटॉप में कैसे भेजनी है सर बता दें। बच्चे तो इतने सादा होते हैं क्या। ओके जी, ये बुक में भी अवेलेबल होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 इंशाल्लाह आज आ जाएगी बुक, और आपको फिर मैसेज में करा दूंगा। इसमें ना ये एक ऊपर डब्बा बना हुआ है, इसको छोड़ें, नीचे आए जरा,
आपकी थोड़ी सी टेंशन चाहिए 2 से 3 मिनट, और आज की पूरी क्लास में सिर्फ हमने एक एंट्री करनी है, वो 5 मिनट में हो जाएगी, बाकी सारी फिर पिछली चीज़ों की रिवीजन होनी है। और किसी को आज के नोट्स चाहिए हो? ठीक है, बैठ जाए। ये लेसर ना कई किस्म के होते हैं, ऑपरेटिंग फाइनेंस नहीं, वो कुछ और बातें थी। लेसर कई किस्म के होते हैं, एक लेसर उनमें होता है बैंक, जिसे क्या कहते हैं, लीजिंग कंपनी भी अक्सर कहते हैं, लीजिंग कंपनीज और बैंक्स। ये लोग क्या करते हैं, आप जाएं बैंक के पास और बैंक से कहें कि मुझे गाड़ी किस पे चाहिए, लीज पे चाहिए, तो बैंक मोहतरम, बैंक के पास कोई गाड़ियों की लाइन नहीं लगी हुई कि बैंक आपको जो है वो गाड़ी लीज के ऊपर दे देगा। बैंक क्या करेगा, बैंक 4 लाख की गाड़ी, फर्ज करें छोटी गाड़ी है, 4 लाख की गाड़ी बैंक खरीदेगा और 50,000 उसमें डालेगा इंटरेस्ट, और आपको कहेगा 4.5 लाख की 10 किस्तें बना लो, 45,000 रुपए की किस्तें बना देता हूं मैं, समझ आ गई बात। आपने जाके बैंक को क्या कहा, यार एक गाड़ी मैंने सड़क पे देखी है, नई नई गाड़ी आई है मार्केट में, इमरान खान ने लॉन्च की है, 4 लाख की मिल रही है, 4 लाख की गाड़ी मिल रही है। आप पीटीआई के जाले थे, आपने कहा यार 4 लाख की गाड़ी मिल रही है, इमरान शहजादे ने मेरे 4 लाख की गाड़ी मार्केट में लॉन्च की है, लेकिन मेरे पास 4 लाख भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं वो गाड़ी ले लूं, तो मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे शायद मेरे पास हों, गाड़ी खरीदने के नहीं है। तो अब बैंक, प्लीज 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 प्लीज, अब बैंक ने क्या कहा, बैंक ने बाजार से 4 लाख की गाड़ी खरीदेगा, आपको कहेगा मैं 50,000 इस पर इंटरेस्ट तुमसे लेता हूं, टोटल मैं तुमसे कितना ले लेता हूं, 4.5 लाख, जिसको आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते थे, ग्रॉस मैं तुमसे ले लेता हूं 4.5 लाख। अब 4.5 लाख की ऑब्वियसली आप फौरन तो नहीं देंगे, आगे बैंक की मर्जी है, उस पर 10 किस्तें बना के दे, 5 किस्तें बना के दे, 4 किस्तें बना के दे, लेकिन शायद आपने बैंक को मना लिया कि मैं 10 साल हर साल 45,000 दे सकता हूं, इतना ही पैसा मेरे पास, तो इस पे बैंक एग्री हो गया, बैंक ने आपको 10 किस्तें बना के दे दी। ठीक है, इस लेसर को क्या कहते हैं, सिंपल लेसर या बैंक, या बैंक। अच्छा अब जी, जब ये पता चला ना होंडा कार्स को कि बैंकों ने गाड़ियां लीज पे देनी शुरू कर दी हैं, तो होंडा कार ने सोचा यार हम भी लीजिंग शुरू कर देते हैं, हम भी क्या शुरू कर देते हैं, मैन्युफैक्चरर लेसर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, मैन्युफैक्चरर लेसर बन जाते हैं। एक बंदे से आपने पूछा आपका नाम, कहते डॉक्टर इंजीनियर अमजद, आपने कहा आपका नाम डॉक्टर इंजीनियर अमजद, कहते अब्बू कह रहे थे डॉक्टर बन जाओ, अम्मी कह रही थी इंजीनियर बन जाओ, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं लेकिन दोनों अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया मैंने, डॉक्टर भी हूं इंजीनियर भी। तो अच्छा होंडा एटलस कार तो क्या है, मैन्युफैक्चरर, आप किस नाम से उसे पहचानते हैं, लेकिन अगर होंडा चाहे, अगर होंडा चाहे तो साथ साथ क्या शुरू कर दे, लीजिंग शुरू कर दे, अब होंडा का नाम क्या पड़ जाएगा, लेसर। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनके पास जाया करेंगे और जाके कहा करेंगे ये लो पकड़ो पैसे, मुझे फौरन गाड़ी दे दो, तो इनसे तो नॉर्मल सी डील होगी, मार्केट प्राइस पे गाड़ी दे देंगे। कुछ होंडा के पास जाके क्या कहेंगे कि मुझे गाड़ी किस पे दे दो, लीज पे दे दो, तो इनको फिर आप किस्तें बना के उसी प्राइस में गाड़ी बेचेंगे, महंगी करके बेचेंगे। अच्छा जी, अब ये डेटा देखें, समझ आ रहा है मेरे पढ़ाई बगैर, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं पढ़ सकता था जितनी जल्दी ऐसा आया है, इसे पहले पढ़ लिया था, ये सही है। अच्छा जी, होंडा ने 40 लाख की गाड़ी बनाई, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना फैक्ट्री में, मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, ओवरहेड लगा है, कितने की गाड़ी बनाई, 40 लाख की, प्रॉफिट होंडा ने 5 लाख डाला इसमें, ठीक है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट डाला 5 लाख, तो गाड़ी 45 लाख की बाजार में बिक रही है। अब अखबार में अगर आता है होंडा की गाड़ी का एड, एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें लिखा है 45 लाख की हमने नई गाड़ी लॉन्च की, आपने खरीदनिया खरीदे, उसमें वो 40 लाख आपको नहीं बताते, वरना तो आपने गाड़ियों का काम शुरू कर देना, तो वो 40 लाख आपको नहीं बताते, ठीक है, वो आपके सामने सिर्फ क्या नजर आ रहा होता है, बोले गाड़ी की फेयर वैल्यू नजर आ रही होती है, तो कस्टमर जाएगा, आम बंदा जाएगा तो कितने की गाड़ी खरीद लेगा, 45 लाख की गाड़ी खरीद लेगा, ठीक है। बिलावल जाएगा कहेगा यार 6 पैक कर दो, छह गाड़ियां, ठीक है 45 लाख तरफ 6, चलो यार ये लो चेक करो, तो 45 लाख की गाड़ी ले लेगा, 45 लाख की गाड़ियां ले ले, 6 ले 10 ले 12 ले, हमारी बिलास है। अच्छा, इसके बाद जहां तक तो होंडा कौन था, मैन्युफैक्चरर, जो 40 लाख की गाड़ी बनाता था मेहनत करके, और किस पे बेचता था, 45 लाख पे। अब किसी ने होंडा को कहा कि जहन्नुम जाने के सबाब पैदा करो, तुम भी इंटरेस्ट कमाओ। अब ये 45 लाख की गाड़ी कितने की बेच रहे हैं,
53 लाख की, इसमें 8 लाख कितना ले रहे हैं? लेकिन अब कस्टमर 45 लाख फौरन नहीं देखे जाएगा। अब कस्टमर को इसने शायद ज्यूम ही कराऊं, कस्टमर को इसने 10 किस्तें बना के दे दी हैं कि यार 5,30,000 ना मुझे हर साल दे जाया करो। अब कस्टमर 5,30,000 दे जाता है, यानी 10 साल में कस्टमर कितने लाख देके चला जाएगा? 53 लाख रुपए देके चला जाएगा। तो 45 लाख वाली गाड़ी कस्टमर कितने का खरीदेगा? 53 लाख वाली। क्या आपको पता है कस्टमर की आंखों के सामने कौन कौन सी फिगर्स होंगी? कस्टमर को तो सिर्फ 45 लाख का पता होगा, 8 लाख का भी पता होगा और 53 लाख का भी पता होगा। इन दोनों का डिफरेंस लेके 8 लाख भी तो निकाल सकते हैं ना। तो कस्टमर को क्या कहेगा होंडा? लोगों को मैं बेचता हूं, तुम्हें बेच दूंगा 53 लाख की, तुम्हें बेच दूंगा 53 लाख की, क्योंकि लोग फौरन पैसे देते हैं और तुम 2011 में शुरू कर रहे हो, 2020 तक पैसे दोगे तो तुम्हें 8 लाख इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर? और अगली तो डायग्राम मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये डीलर्स होते हैं जेल रोड के ऊपर अक्सर, लाहौर में है जेल रोड एक, तो जेल नहीं जेल रोड है एक, तो कार शोरूम्स वाले, तो ये अक्सर इंपोर्टेड गाड़ियां इन्होंने मंगवाई होती हैं, तो इनकी कॉस्ट फिर मटेरियल लेबर नहीं होती, विट्स वगैरह और जो गाड़ियां आप देख रहे हैं मार्केट में मूव और किस किस नाम से, तो ये जो गाड़ियां हैं ये एज इट इज मंगवा लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फर्ज करें इन्होंने कोई 70 लाख वाली गाड़ी मंगवाई डीलर्स ने, जिनका काम सिर्फ क्या है? गाड़ियां बेचना, बेचना। डीलर्स का काम होता है गाड़ियां बेचना, खरीद के बेचना, बना के बेचना इनका काम नहीं होता। क्या का इनका काम होता है? खरीद के। तो बाहर के मुल्क से कितने की मंगवाई? 70 लाख की, और 20 लाख डाल के कितने की बेचनी थी? 90 लाख की। ये तो डीलर्स आमतौर पे काम करते ही रहते हैं। फिर डीलर्स को भी किसी ने मशवरा दिया कि आप एक काम करो जिससे आप 90 लाख की बजाय ज्यादा कमा सकते हो। तो वो 70 लाख की गाड़ी जो 90 लाख की बेचते थे वो उन्होंने 1 करोड़ की बेचनी शुरू कर दी, और 10 लाख इसमें क्या डाल दिया? इंटरेस्ट डाल दिया, और कस्टमर को कहा कि 10 तुम्हें किराए बना के दे देते हैं, किस्तें बना के दे देते हैं। क्लियर? अब आप मुझे बता दें, मैन्युफैक्चरर डीलर का सवाल जब पेपर में आता है तो ट्रीटमेंट दोनों की सेम है, तो हमारी नजर में ये दोनों सेम ही लोग हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। डेटा देखना दोनों का सेम है, बस एक बना के बेच रहे हैं और एक खरीद के बेच रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ खरीद के लीज पे देते हैं, ये बना के कैश पे भी बेचते हैं, बना के लीज पे भी देते हैं। ये लोग खरीद के कैश पे भी बेच देते हैं और खरीद के लीज पे भी दे देते हैं। अब नीचे वाला नोट पढ़ें और समझाएं कि क्या समझ आ रही है आपको ये पढ़ के। सिंपल लेसर विल रिकॉर्ड 50,000 रुपए एंड मैन्युफैक्चरर और विल रिकॉर्ड एंड वही जो इंट्रो की क्लास में ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस लेके। अच्छा, वो भी आ सकते हैं डीलर में। लेसर नॉर्मल भी होते हैं, लेसर ओहो इधर मैन्युफैक्चरर आ रहा है, इधर डीलर आ रहा है, चले कोई नहीं, खैर है। डीलर भी होते हैं जैसे जेल रोड वगैरह पे दुकानें हैं, और लेसर मैन्युफैक्चरर भी होते हैं, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, नीचे 3 कैटेगरीज बनी हुई थी, ये उड़ा दूंगा मैं अगली दफा, इन तीनों को डब्बों की अब जरूरत ही नहीं, ये 3 डब्बे आ गए ना नीचे। तो ये जी ये बस पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए। तो लेट स्टार्ट अब इसका। अच्छा, अब इनकी जो पहली वाली एंट्री है ना, सिर्फ पहली वाली एंट्री वो डिफरेंट होगी, बाकी सारी लेसर की नॉर्मल अकाउंटिंग है। पहली वाली एंट्री डिफरेंट होगी, वो हम कर लेते हैं आज के सवाल में। अगले सफे पे सवाल है, ये पूरा सवाल जरा पढ़ लें और कोई चीज इसमें से समझ नहीं आ रही तो पूछें, फिर मैं डेटा को लिखना शुरू करता हूं। और आपने कोशिश करनी है, आपके लिए ये चैलेंज है कि जो बातें मैंने आपको बतानी है वो आपको पढ़ के ऑलरेडी समझ आ रही हो, और जहन में बेशक ये एग्जांपल रख लें, और साथ वाले को बताना है ये प्राइस 4 मिलियन से मिलती जुलती दी हुई है, ये प्राइस 45 लाख से मिलती जुलती दी हुई है, और ये जो प्राइस है 53 लाख से मिलती जुलती दी हुई है। तो इस मिसाल को बेशक जहन में रख के आप देखें डेटा ज्यादा दिया हुआ है। आजो आजो, लेट हो गया। आप ऐसा करो, आप ना इनके साथ आओ, ग्लासेस वाले भाई जो बैठे हैं, इसको 1-2 मिनट में बता दो मैन्युफैक्चरर लेसर सिर्फ होंडा वाली मिसाल समझा दो, फिर ये सवाल में हमारे साथ हो जाएंगे। जल्दी जल्दी 30 सेकंड है आपके पास, होंडा वाली मिसाल इनको समझा दो। भाई इधर देखो जो भाई कह रहे हैं, Thank you.
कोई एक परसेंटेज लगा के फिगर निकालनी है वो भी निकाल के रखें, फिर शुरू करते हैं। अच्छा भाई मुझे छोड़ो, अभी तो देखो मुझे आप बताएं कि लेसी के सवाल कहां से शुरू होते थे, लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। जरा फोकस करना है एक मिनट के लिए, लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। लेसर के सवाल कहां से शुरू होते थे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर आ जाए, ये सिंपल लेसर होते थे जी, यही है ना जिनमें होता था, लेकिन मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर आ जाए तो उनमें आपने ना फिर चार चीजें अलग किया करनी है, कॉस्ट, सेल प्राइस जिसे क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू। जो बंदा पैसे ले आए और कहे मुझे किस्तों वाला काम नहीं करना, मुझे बस अभी पैसे मेरे पास है, मैं इसी की गाड़ी खरीदूंगा वरना सबर कर लूंगा, और अगली दो चीजें वही बोले बोले बोले, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट हम खुद निकाल लेंगे जनरल एंट्रीज में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और आगे बोले नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो दो नई चीजें ऐड हो गई हैं, डिफरेंट बॉल पॉइंट के कलर से नोट कर लें, ये पुरानी चीजें हैं, ये आप नोट करें। तो ये चार चीजें हम लिखते हैं और सवाल पे शुरू करते हैं। जैसे देखें इधर एक मिनट, होंडा ने क्या कहा जी, 40 लाख की मैं गाड़ी बना रहा हूं, आमतौर पर कितने की बेच रहा हूं, 45 लाख की, लेकिन तुम्हें कितने की बेच देता हूं, 53 लाख बोला था, तुम्हें 53 लाख की बेच देता हूं। क्लियर, ये चार चीजें हैं और अभी ये चार चीजें मैंने सवाल में ढूंढनी है, आपने मुझे हेल्प करानी है। अच्छा, रिटर्न ही मारना, ये कॉस्ट क्या होती है, जितने की होंडा ने बनाई, फेयर वैल्यू क्या होती है, जो बंदा पैसे लेके आ जाए उसे इतने की बेच देंगे। लेकिन ये तो रेंटल्स की डिस्काउंट के अलावा वाली फिगर होती है, तो इसमें तो किराए होते हैं, तो ये वो किस्तें बना के दी हैं जिसमें इंटरेस्ट शामिल होगा, और इसमें से फिर इंटरेस्ट माइनस हो जाते हैं, ये नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। आखिरी लाइन आपको पता है, हम कभी डालते थे कभी नहीं डालते थे, डालनी आपकी मर्जी है, इंटरेस्ट टोटल वो जी आई एन आई का डिफरेंस होता है, वो तो पता ही आपको। एप्पल भी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, अच्छा जी आप बताएं इसके बिजनेस की नेचर क्या है, मैन्युफैक्चर। अब ये जो टॉपिक हमारा शुरू है इसका पिछले से कोई ताल्लुक नहीं है। एप्पल भी लिमिटेड सेल्स द इक्विपमेंट टू फार्मर्स ऑल अराउंड द कंट्री, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, फसल की सफाई के लिए ये चीजें बना रहा है और पूरे मुल्क के अंदर ये चीजें बेचता है। सम कस्टमर परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश, कुछ होते हैं अमीर लोग वो आके कहते हैं यार ये पकड़ो पैसे, एंड अदर परचेज अंडर एप्पल भी, और जो दूसरे हैं वो क्या कहते हैं यार हमें तो तुम्हारा ऐसा किस पे चाहिए, किस्तों पे चाहिए। अब ये एक मुर्गा फंसाए, इसका नाम है हैटफील्ड, ये चलता चलाता एप्पल बी के पास आ गया। एप्पल बी का कारोबार कितने हैं, दो, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और लीज पे भी लोगों को चीजें देनी शुरू कर दी हैं इसने। हैटफील्ड आया, इसने एक हार्वेस्टर खरीदा फ्रॉम एप्पल बी, एंड अच्छा ये परचेज का मतलब ये नहीं होता नॉर्मल परचेज है, लीज में जरूरी नहीं एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर होना हो, इसलिए परचेज के लफ्ज से ये ना लीज में समझा करेंगे खरीद ही लिया है, एक्वायर मतलब है इसका। हैटफील्ड एक्वायर्ड अ हार्वेस्टर फ्रॉम एप्पल बी एंड मेड यूज ऑफ देयर फाइनेंस। ओ भाई टेस्ट 5 उसी तरह लगाने हैं कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग, लेकिन शुक्र है सवाल ने पहले ही बता दिया कौन सी लीज है, फाइनेंस। उसने अच्छा जी जो हमारा कस्टमर आया है या लेसी आया है उसने लीज पे लेना पसंद किया या उसने लीज पे लेना पसंद किया, उसने कैश पेमेंट पसंद नहीं की। डिटेल्स आर एज फॉलोज, कितने साल तक किस्तें देगा बेचारा, 5 साल तक। एग्रीमेंट साइन कब हुआ जी, किस्तें कितने की हैं, 2 लाख की, पेएबल इन एरियर्स, चना अप्रोच मूंगफली, नोट बनाना पड़ा, चना ऑन 31 दिसंबर, हर साल के एंड पे किस्त पे हो जाएगी। अ फेयर मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर द टाइप ऑफ लीज इज, अच्छा जी द कॉस्ट टू एप्पल बी टू मैन्युफैक्चर द हार्वेस्टर इज 5 लाख, कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर, बनाया कितने का, 5 लाख का, ये इसको 500 कर दें, कोई हरज तो नहीं, कर दें कर दें कर दें कर दें, देखी जाएगी 500, 500 का क्या मतलब है, ऊपर हम क्या लिख लें फिर, रुपीज इन 1000, ओके। द कॉस्ट टू एप्पल बी टू मैन्युफैक्चर दिस हार्वेस्टर वाज 5 लाख, एप्पल बी इंप्लीमेंट्स अ मार्कअप ऑफ कॉस्ट प्लस 28% ऑन देयर, जो बंदा कैश सेल पे लेने आ जाए यानी पैसे लेके आए उसे कितना प्रॉफिट डाल के चीजें बेचते हैं, 28% डाल के,
तो यही निकाल लें 28% हमने कॉस्ट पे लगाना है, कॉस्ट प्लस अच्छा जी कॉस्ट कितनी है प्लस 28% ऑफ 5 क्या कहते हैं कॉस्ट प्लस 28% ठीक 40 या कुछ लोगों ने इस तरह किया होगा 500 अगर 100 पे पढ़ाए तो हमें बता दो 128 कितना है उस तरह भी आ जाएगा। बहरहाल इसकी रिवीजन हमने कंसोलिडेशन में करनी है, ये सिंगल एंट्री में आप लोग इस तरह की चीजें करते थे तो कॉस्ट से सेल निकाल लिया आपने। तो जब बंदा पैसे लेके आ जाए अच्छा ना ये ना पेपर में गड़बड़ नहीं करनी, क्या गड़बड़ नहीं करनी, ये 28% कुछ और है और ये 16% कुछ और है, ये 16% लीज का इंटरेस्ट रेट है और ये 28% प्रॉफिट है, क्योंकि कितनी इनकम्स कमानी है, दो, प्रॉफिट भी कमाना है और इंटरेस्ट भी, तो इसलिए परसेंटेजेस को मिक्स नहीं कर देना। अक्सर तो सवालों में ना सेल प्राइस वो वैसे ही दे देते हैं, लेकिन इधर सेल प्राइस भी नहीं दी, सेल प्राइस के लिए भी क्या निकालने के लिए दे दी परसेंटेज। अच्छा अब भाई जिसके पास पैसे हो वो 5 लाख वाली चीज कितने की खरीद सकता है, 6,40,000 की, लेकिन हमारे शहजादे ने क्या पसंद की है, किस्तें पसंद की हैं, तो 2 लाख रुपए की किस्तें हैं। अच्छा जी लेसर का फॉर्मूला, लेसर का फॉर्मूला डाउन पेमेंट, खरीदने परचेज ऑप्शन का तो जिक्र नहीं वैसे, तो वरना ओनरशिप आमतौर पर ट्रांसफर ही होती है, जीआरवी और यूजीआरवी, लेकिन ना जीआरवी गिवन है ना यूजीआरवी गिवन है ना और कुछ गिवन है, ठीक है। और आपको पता है जिन सवालों में जीआरवी यूजीआरवी नहीं गिवन होती तो उन सवालों में क्या गिवन होती है, ये भी नहीं गिवन, तो कोई मसला नहीं, बस रेंटल अवेलेबल है उन्हीं पे गुजारा चलाएं, लेकिन एहतियातन जरा फार्मूलाज की रिवीजन हो जाए। तो आम हालात में आपको पता है हम यही अज्यूम करते हैं लेसी एसेट लेसर को क्या कर देगा, वापस कर देगा। यूजीआरवी के साथ जरा डिफरेंट कलर यूज करना है, कल शायद आपको इसका आइडिया हो क्यों। और इस सारे को लीज पेमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये पैसे आपको पता है लेसी देता है। ओके डाउन पेमेंट सवाल में नहीं है, किराए हैं, कितने का किराया, 2 लाख है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी आसान कर ली है, कुछ लोग 2 लाख पूरा लिख रहे हैं, हमने पहले ही 3 सिफर ऊपर लिख दी है, 200 जरा 5 किस्तें जी क्या बन गया, वैसे सही हैटफील्ड फंसा है, 500 वाली चीज 1000 में मिल रही है इसको, 500 वाली चीज अगर पैसे होता कितने की मिल जाती, लेकिन अब किस्तों में पड़ने की वजह से कितने की मिल रही है, 1000 की मिल रही है। नेट इन्वेस्टमेंट वो जो पुराने तरीके से निकाल ली जी, एडवांस का सवाल है, एरियर का, एरियर का सवाल है, 200 × 1 − 1.16999 रेज टू पार माइनस 5 डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू 640। अब आप कहेंगे सेल प्राइस और प्रेजेंट वैल्यू बराबर आ गई, जब कभी बराबर नहीं आएगी तो क्या करेंगे, मैं बता दूंगा फिर, जब कभी बराबर नहीं आएगी तो क्या करेंगे, इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल बराबर आ रही है, यानी बाजार में कितने का बेच रहा है ये 600 और इसको किस्तों की बजाय अभी बेच दे तो कितने का बेचेगा, 640 का, वैसे कितने का बेच रहा है इसको, 1000 का, इतफाकन ये दोनों बराबर आ गई, अगर ये बराबर नहीं आएंगी तो देखेंगे फिर क्या करना है। तो ये जी 4 चीजें होगी, इसमें 2 तो पुरानी होगी और 2 नहीं है, क्या नहीं है, अच्छा आपको याद है, जरा ऊपर अटेंटिव रहिएगा, आपको याद होगा जो हमारे सिंपल सवाल होते थे ना सिंपल लेसर के, उसमें सिर्फ यही कॉस्ट दी होती थी, वो असल में कॉस्ट उसकी वही होती थी जिसमें जितने में उसने बैंक से खरीदा है, तो अगर जो सिंपल लेसर होते हैं उसमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी। ओके अब जी सिर्फ पहली एंट्री है जो हमने डिफरेंट करनी है, एक एंट्री है जो कि हमें पेपर में करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसी टाइम की वेस्टेज होगी, उसका फायदा कोई नहीं है। पहले आप अपना ईयर एंड बता दें, 31 दिसंबर 2005 2005 या 2005, फिर पे जनरल एंट्रीज पर 2005 एंड 6 चलें ईयर एंड 31 दिसंबर 2005। इसने एसेट बनाया है या बना बनाया खरीदा है, लेसर ने, लेसर ने, मैं लेसी की काउंटिंग नहीं कर रहा, बनाया है, तो एसेट बनाने के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चे आए होंगे, तो वो एंट्री मेरे भाई आप कभी भी ना कीजिएगा, क्योंकि एसेट बनाने की अच्छी खासी कॉस्ट आ जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता इनकर होती है, वो किसी एक डेट को इनकर नहीं होती। तो अगर मैं कहूं
कि इसने मटेरियल खरीदा होगा, लेबर को पैसे दिए होंगे, ओवरहेड का खर्चा हुआ होगा, तो मोहतरम ये पता नहीं कब हुआ होगा और कितने सालों में इसने एसेट बनाया हो। हो सकता है 3 महीने लगे हों, 4 महीने लगे हों, 1.5 साल लग गया हो इसको हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट बनाने में। तो बताएं ये बैंक की तरह बना बनाया खरीद के आगे दे रहा है या ये बना के आगे दे रहा है? बनाने पर पता नहीं इसको कितना टाइम लगा हो, इसलिए पहली एंट्री छोड़े मटीरियल लेबर वाली। अच्छा बता दें जी, खरीदने की एंट्री तो हमने छोड़ दी, लेकिन लीज पे देने की एंट्री तो होनी चाहिए। मोबाइल वाले भाई, लीज पे देने की एंट्री तो होनी चाहिए। लीज पे देने की एंट्री जी आपने मुझे बतानी है। पुरानी एंट्री कौन सी होती थी? लीज रिसीवेबल डेबिट। अच्छा, इन्वेंट्री में एक परपेचुअल सिस्टम होता था। परपेचुअल सिस्टम ऑब्वियसली अभी तक भूल गया होगा, इंट्रो की क्लासेज जब शुरू शुरू होती थी ना, शुरू शुरू तो टीचर एंट्री करवाते थे बोतल बेचने की। कितने की आजकल बोतल? 30 रुपए की, 35 की, स्टिंग 35 की होगी, लाल वाली भारी कहने 35 की है। अच्छा तो टीचर ये एंट्री करवाते थे बोतल बेचने की, तो बच्चे उस वक्त बड़े परेशान हो रहे होते थे, साथ वाले को कोनी मारे होते थे, यार बोतल भी तो जा रही है, वो नजर नहीं आ रहा, बोतल क्रेडिट वो कह रहे, यार चल टीचर बता रहे हैं मान ले, पर एक दूसरे को वैसे करके ना समझा देते थे कि वो कहते नहीं यार बोतल भी तो जा रही है, बोतल क्रेडिट क्यों नहीं हो रही, बट डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। तो फिर जब ये परपेचुअल सिस्टम आता था ना, फिर टीचर समझाते थे एक और एंट्री होती है, बोले बोले ओए अच्छा रशीद हूँ पता चले बोतल भी जानती है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और ये याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस से होती है एंट्री। फर्ज करें दुकानदार को यो मोहतरम 18 रुपए लूट मची हुई है, तो पेप्सी उन्होंने 32 या 33 रुपए की देते होंगे ये लोग दुकानदारों को, दुकानदारों को इतने पैसे नहीं बचते, दुकानदार को ये पेप्सी वाले आके 33 रुपए की बोतल बेचते होंगे, आगे दुकानदार बेचारा 35 रुपए की बेचता होगा, 2 रुपए रखता होगा एक बोतल के पीछे। अच्छा तो दुकानदार के लिए कॉस्ट क्या हो गई? 33 रुपए। क्यों क्यों ये जगह जगह ऑल पर बेच रहे होते हैं, नेस्ले वाले बड़ा महंगा इनको दूध देते हैं, ऑल पर वाले सस्ता देते हैं, दुकानदारों को भी बच जाता है। तो ये जो बोतलें आपको मिलती हैं पेप्सी, इस पे तो दुकानदार को बेचते ही नहीं पैसे बेचारे। अच्छा आप दुकानदार कितने की खरीद रहे हैं? 33 की। आपको कितने की बेच रहे हैं? 35 की। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2 रुपए। तो बताएं जी परपेचुअल सिस्टम में सेल की कितनी एंट्रीज होती हैं? 2। एक एस्पेक्ट है खुशी रिकॉर्ड करना और रिसीवेबल बढ़ाना, खुशी रिकॉर्ड करना और रिसीवेबल बढ़ाना, और दूसरा एस्पेक्ट है खर्चा रिकॉर्ड करना हमारे बिजनेस का और बोतल का जाना। तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? 2 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्लियर? ये 2 एंट्रीज आपको पढ़ाई जाती है जो सिस्टम में सेल की। इन्हीं 2 एंट्रीज को हम इकट्ठा कर देंगे आज, इकट्ठा कर देंगे। बोलें जी एंट्री, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। बोले 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 आगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा अब तो देखते रहिए भाई, ये ऐसे एंट्री नहीं करनी आपने डेटर डेबिट, बल्कि आपने क्या करना है, और एसेट जा रहा है हमारा या इन्वेंट्री जा रही है हमारी? आपको याद है लेसर ये एंट्री करता था लीड रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट? कितनों को याद है ये एंट्री करता था लीड रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट? इसकी जगह मैं क्या कह रहा हूं, क्या करें? इन्वेंट्री। क्लियर? और सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। अब एंट्री परपेचुअल से जरा डिराइव करें, डेटर डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एसेट क्रेडिट या इन्वेंट्री क्रेडिट? तो असल में ये हमने अपना एसेट नहीं बनाया होता मटेरियल लेबर लगा के, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमने अपनी इन्वेंट्री बनाई होती है ये। तो इन्वेंट्री पहले बनती है फैक्ट्री में, और उसके बाद इन्वेंट्री कुछ लोगों को पैसों की बिक जाती है और कुछ लोगों को किस्तों पे बिक जाती है। तो इससे पहले क्या एंट्री पढ़ते थे? लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। आज की एंट्री पढ़ रहे हैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा जी इन्वेंट्री की एंट्री किससे होती है हमेशा? कॉस्ट से। इन्वेंट्री की एंट्री किससे होती है और सेल किस पे रिकॉर्ड होती है, किसी को याद हो? फेयर वैल्यू पे। ये देखें देखें, बोतल दुकानदार 35 की बेच रहे हैं, खुद दुकानदार कितने की खरीद रहे बेचारा? 33 की, 2 रुपए उसको बच रहे हैं। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल किस पे रिकॉर्ड होती है? और लीज रिसीवेबल तो मशहूर जमाना आपको पता है नेट इन्वेस्टमेंट पे रिकॉर्ड होता है। क्लियर? अच्छा जी अब आप ये फिगर्स लिखवा दें मुझे, वो जो 4 हैं वर्किंग वन में जाएं, NI बताएं, कॉस्ट बताएं 500, फेयर वैल्यू 640, इन्वेंट्री 500। दोबारा देखें, NI 640, कॉस्ट सेल प्राइस 640, कॉस्ट 500। तो बस पहली एंट्री बदल गई, आगे हमारी एंट्री उसी तरह सारी नोट कर लें।
इधर डालें स्टार, स्टार डालें इधर और ऊपर लिखें इसकी जगह हम पहले एंट्री करते थे लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट, ताकि मैन्युफैक्चरर डीलर के लिए आपको याद हो जाए ये एक नई एंट्री आई है मार्केट में। यहां स्टार डाल के लिख लें इसकी जगह पहले हम एंट्री करते थे लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। ये बातें ना आखिरी दिनों में रिवीजन में बड़ा हेल्प करती हैं, फिलहाल आसान लग रही होती हैं। यहाँ पे स्टार डाल के इसकी जगह पहले हम एंट्री करते थे लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। ओके, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनवा दिया। अच्छा मुझे टोटल इंटरेस्ट बता दें जरा, शायद मुझे हेल्प हो जाए। 3 कैसे निकाला यार? जी आई माइनस एन आई, यार इसका फॉर्मूला लिखना है टोटल इंटरेस्ट का, जी आई माइनस एन आई, 1000 माइनस 360। अच्छा जी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हमेशा कहां से शुरू करने हैं? एन आई से। अब जो जिद्दी लोग थे उन्होंने रुपीज इन थाउजेंड में सवाल नहीं किया, वो लगे रहेंगे शेड्यूल बनाने और हम सुबह सुबह ही बना के फारिग हो जाएंगे। अच्छा जी एन आई बोले डेट कितने किराए 31/12 5 ओ गाय यस यू आर राइट एज यूजुअल। जी हर गाय इधर बताए 200 200 200 200 पंजाई दे दियो, ये क्या होता है 200। अच्छा जी पहली में इंटरेस्ट लगेगा? लगेगा लगेगा ना, ये जगह जनवरी को तो नहीं है ना, और छुरी थले सहा रखा कर, साल का गैप है ना। जी यार पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं है, 109। अच्छा जरा सबर करें एक मिनट जरा सबर करें, देख लेते हैं यहां तक गुजारा हमारा चलता है या नहीं, फिलहाल छोड़ दें इसको। सवाल की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं होता अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पूरा बनाना दीवानों की तरह, यहां तक देखते हैं हमारा गुजारा चल रहा है या नहीं। 2005 की एंट्रीज करनी है और 6 की एंट्रीज करनी है, क्लियर? तो वैसे भी हमारे जो साल का इंटरेस्ट है ना, हमारे साल की आखिरी पेमेंट से नजर आ जाने, उसके लिए अगला वाला बनाना नहीं पड़ना क्योंकि एरियर का सवाल है। तो इस साल की एंट्रीज करनी है, इसकी एंट्रीज करनी है, तो बता दें जी 31/12 5 को एंट्री कैश, आगे एंट्रीज वही है, आगे एंट्रीज वही है, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। जी बोले 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. अच्छा जी आगे चलें, अगले साल लेसर एसेट बनाएगा, लीज पे देगा, किराया आएगा इसको, तो 31/12 6 ना ना जूती ना उतारे, कोई बंदा डेप्रिसिएशन बोला है जूती ना उतारे, बाहर से डंडा लेके आए। भाई ये किताबों से निकल गई है ना, जो भी चीज थी इन्वेंटरी थी एसेट था, किताबों से निकल गई है, अब किस चीज की डेप्रिसिएशन? वैसे भी लेसर फाइनेंस लीज में डेप्रिशिएट नहीं करता, इन्वेंटरी है वैसे भी ये। अच्छा चलो आगे चलो जी, कैश डेबिट इंटरेस्ट
बस ये दो साल की इंटरेस्ट रिक्वायर्ड थी। हाँ जी जी मैं कराऊंगा, लेकिन इस एंट्री को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो वो तो कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको वहाँ की थी। अब मैं किस साल की एंट्रीज कराऊँ? 31/12/6 की। बता दें ये अगले साल की एंट्री, वो उसको इधर कर लेते हैं, जगह ज़रा बच जाएगी। कैश 200 भाई, जगह बच जाएगी। इसलिए ऐसे ऐसे बच्चे हैं, सवाल पूछते हैं, सर उधर भी करेंगे एंट्री, इधर भी करेंगे, ये मैन्युफैक्चरर डीलर में दो दफ़ा किया करेंगे एंट्री। बहुत सादा लोग हैं दुनिया में। लीज रिसीवेबल जी कितना? 107। और इंटरेस्ट इनकम 93। अभी 3 लेक्चर अपलोड हुए थे, एक बच्चे का सवाल आ गया था, किताब में कितने चैप्टर होंगे सर? अच्छा जी, आप मोहतरमा प्लानिंग करनी होती है हमने, साथ साथ जो चल रहा है वही तो वही प्लानिंग है और क्या, बस। और इतवार को पिछला रिवाइज करें अगर छुट्टी मिल जाए तो। अच्छा जी, आप जी मोहतरमा जो एंट्रीज हो गई क्या बनाना है? नोट इंक्लूडिंग कंपेरेटिव, यानी 31/12/6 का भी बनाना है, 31/12/5 का भी बनाना है। तो मोहतरम मैं 31/12/6 का आप घर जाके बना लीजिएगा, मैं सिर्फ सॉल्यूशन में बना हुआ है, मैं सिर्फ 31/12/5 का बना देता हूँ, सिर्फ पहले साल का 31/12/5 का। क्या नाम है यार, आज तो नाम बता दें इसका, एप्पल भी नहीं, एप्पल भी सेब नहीं होता, देखें जरा ये गूगल पे एप्पल भी क्या होता है। नहीं नहीं देखा, को देख रहे जल्दी बताए, फॉर द ईयर एंडेड बोले 31 दिसंबर। 6 और 5 उसने दोनों का मांगे, मैं 5 का बना रहा हूँ। 6 और 5 उसने दोनों का मांगे, उसने कंपैरिजन भी मांगे, मैं 5 का बना रहा हूँ। अच्छा जी, कैरेट जूस को कहते हैं एप्पल बी। अच्छा जी, आप पास कर दो अब किसी ने कहना रशीद का बेटा भी है। अच्छा जी, आप बोलें जी नोट नंबर मे बी 7, क्या नाम रखें? 7.1 अंग्रेजी आ जाएगी, 7.2 भाई रिकॉन भी बनेगी, मैच्योरिटी एनालिसिस, जरा जो कल नहीं आए उनकी तरह देख के रोप डालें, रिकॉन भी बनेगी, रिकॉन्सिलिएशन। ओके, इंस्टॉलमेंट्स हमारे साल की पेमेंट के नीचे 31/12/5 के लिए लेस देन 1 ईयर कौन सा है? 1-2, 2-3, 3-4। 1 साल के बाद, 2 साल के अंदर अंदर, ये घर वाले आ जाते हैं जब आप ऐसे बोल रहे होते हैं, 2 साल के बाद, 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के बाद, 4 साल के अंदर। नहीं बेटा इतनी जल्दी, बेटा तो सीए कर ले, मैं 4 साल के अंदर कर ली, ज्यादा नहीं मम्मी, 4 साल के बाद नहीं मम्मी कुछ और बन रहा है, 3 साल के बाद, 4 साल के अंदर अंदर 200 जी। 5 साल के बाद क्या? नहीं नहीं जिसे हाथ दोगी यार, लंबे प्लान में रखो इतने, जिंदगी का कोई पता नहीं, जल्दी जल्दी कर ले सीए। अच्छा जी 7.3 बताएं जी, 7.3 रिकॉन्सिलिएशन। ओके, टोटल लीज रिसीवेबल, आप चलेंगे नीचे? जी मैं आ रहा हूँ, आप पहुंचे नहीं, आप हमारे साथ ही चलें। ये हम किससे बातें कर रहे थे? 800 से, घर में इसी तरह बोलेंगे, आप चलेंगे नीचे? बेटा जिन्न आ गया कमरे में। अच्छा नहीं अम्मी, एड यू जी आर वी। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? बेटा तुम पहले बोलते थे रिन्यूअल सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट, आजकल पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। अच्छा जी रिन्यूअल सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट, IAS 38, महंगी सस्ती रिन्यूअल, याद आ गया, मम्मी को याद रहती है ऐसी बातें। अच्छा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लेस बोलें अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। अच्छा मुझे आप बताएं, एक मिनट यार सबर, ज्यादा सबर, एक मिनट मुझे बताओ,
31/12/5 के P&L में कौन सा इंटरेस्ट गया होगा जो 31/12/5 के सामने नजर आ रहा है या जगम जनी 6 के सामने नजर आ रहा है? 31/12/5 के सामने नजर आ रहा है, ये P&L में चला गया होगा। तो इसके साथ क्या लिखूं? अर्न्ड, और इन सब के साथ अनअर्न्ड। अच्छा अनअर्न्ड अब मैंने नहीं निकाले हुए तो नोट नहीं बन सकता। अब वो पेपर छीनने लगे, आधा मिनट रह गया आपके पास, अनअर्न्ड निकालने हैं, अब लगे रहे आप 15 सेकंड रह गए हैं, वो बस करते हैं, जल्दी कराएं कुछ। ये इसको उठा लेना, मैंने माना ये सारे अनअर्न्ड हैं, ये जो चार हैं अनअर्न्ड हैं, भाई फरमा रहे हैं इनविजिबल है, ये सारे अनअर्न्ड हैं। या तो इन चारों को टोटल कर लें, ये सेकंड ऑप्शन बोले, टोटल में से 109 माइनस कर लें। टोटल कितना है? इसमें से 109 माइनस करें 549। सबस चने खाए हैं कभी? सबस चने, सबस चने रिकॉन्सिलेशन मैच कर ली 549। ऐसे 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 बच्चे आ गए हैं मार्केट में, 549 यहां लिख के इसको बैलेंसिंग लिख देते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे आ गए हैं 549 को यहां लिख के, और शॉर्टकट 549 को यहां लिखते हैं और फिर इसको बैलेंसिंग निकाल देते हैं। मेरा निकाल, वो नंबर काटेगा, एक्सेप्टेबल है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन ठीक है इस तरह चले आप। टोटल माइनस बोले टोटल माइनस अर्न इज इक्वल टू अनअर्न। अच्छा भाई, वो जो ये आता था ना कभी, इस 93 को जमा करना पड़ता था, वो ये होता था कि ये वाला भी रिसीवेबल होता था अभी, तो फिर इन दोनों को जमा करके आता था, लेकिन फिलहाल 549 से ही मैच कर गया हमारा। अच्छा अब जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बैलेंस शीट उसी तरह बनेगी, लेकिन जो P&L है वो जरा आपने देखना है, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का कैसे बनेगा, P&L आपने जरा गौर से देखना है। P&L के लिए ना मुझे P&L मांगा नहीं है सवाल में, लेकिन P&L में जरा आपके सामने ना सारे सालों को बनाना चाह रहा हूं, तो मुझे सारे सालों का इंटरेस्ट निकलवा दें। चना खा लें, ये बाल पड़े हुए हैं इधर, इनको मैं पलकें साइड पे कर लूं। अच्छा जी, 70। ओके, अब कैमरा उधर ही रखो, ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पूरा बना लेंगे। ले आओ इधर, एक लाइन में इधर खाली छोड़ रहा हूँ। P&L में मैं पहली दफा सारे सालों का P&L बना रहा हूँ जब से आप पैदा हुए हैं। इंटरेस्ट इनकम, कैमरा उधर लेके जाओ। इंटरेस्ट इनकम मुझे बताएं सबसे पहले 31/12/5 की कितनी है? 109। उंगली के इशारे से जरा बताओ भाई, आप खड़े हो जो 109 खड़े हो ना, इधर खड़े हो भाई, इस तरह नहीं खड़े होना। देखा शुरू वाले दिन होते हैं ना, टीचर पता है क्या पढ़ा रहा होता है? नहीं टीचर, आई एम डूइंग दिस। फिर जब टीचर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो फिर इस तरह लिख रहा होता है, तो वो काम ना करना शुरू से ही। जरा ये इधर आओ, वर्किंग टू जरा बच्चों के सामने। अच्छा जी, पहले साल का इंटरेस्ट 109, इधर लाओ, ये 109, उधर जाओ। बोलो अगले साल का, अगले एक दो और भी बता दे, 93 75, इधर आओ, 93 और 75, उधर जाओ 54, और अगला भी बता दे 29, इधर आओ 54 और 20, आपने कुछ और भी फरमाना।
अच्छा जी, एक और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चीज आएगी, डेट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा ये जरा आप मुझे बता दें, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? इधर चले जाओ। अच्छा भाई, आने वाले दिनों में ना चीजें थोड़ी बदलनी है और चीजें थोड़ी एडवांस्ड होनी है, तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ये वाली ना कीजिएगा। आने वाली चीजों में बदलनी है चीजें, थोड़ी एडवांस लेवल पे जानी है, तो सेल माइनस कॉस्ट ये ना कीजिएगा। हाँ, ये वाली कर दीजिएगा, सेल माइनस, आप कहेंगे है तो वही फिगर्स, चलिए फिलहाल वो है, आने वाले दिनों में जब चीजें बदलेंगी तो कुछ और भी चीजें आएंगी। बता दें जी, सेल कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल, इसको क्या कहते हैं, जीपी या ग्रॉस प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम इसको नहीं कहेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट बता दें जी कितना आ रहा है, 1, कैसे आया, 640 माइनस, चलें जी नोट कर लें। यार ये क्या चक्कर है, हाँ देखना, ग्रॉस प्रॉफिट तो बेचते ही आ जाता है ना चीज, इंटरेस्ट ओवर द पीरियड आता है। ये लफ्ज कभी पढ़ा हुआ है, ओवर द पीरियड? किस स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ओवर द पीरियड? रेवेन्यू वाले में। अस्सलाम वालेकुम भाई, मोबाइल इधर देखना यार, ग्रॉस प्रॉफिट। एक भाई क्लास में बंदे लेके आया है और कह रहे हैं कि ये तो डेटर है मेरा, ये तो डेटर है मेरा, तो ये तो प्रॉफिट अभी आया नहीं। भाई आया चक्कर होता है या कमाया? कमाया चक्कर होता है। और अगली बात मुझे बताओ, फिर तो सारी इंट्रो उठा के इंट्रो की किताबें फाड़ दो, आईकेएफ की वेबसाइट से भी जाके उतरवा दो किताबें। ये जो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट हम करते थे तो हम क्या कहते थे, सेल सर अभी रिकॉर्ड ना करें, छोड़े परे सर, आए तो नहीं पैसे। और पुत्र डेटर डेबिट तो हो गया ना, कोर्ट में जाके केस तो कर सकते हैं ना कि आपने हमें पैसे देने हैं, लीगल राइट तो आपका बन गया ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट को बोले कब रिकॉर्ड करने, इमीजिएटली, ग्रॉस प्रॉफिट को इमीजिएटली उसी साल रिकॉर्ड कर देने, और इंटरेस्ट को ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करने। अच्छा वैसे टोटल चेक करें कितना है इंटरेस्ट का, टोटल 109 जमा 93 जमा 75 जमा 54 जमा 29, 360 इंटरेस्ट हो गया, और 140 इसमें जरा ये डालें, 500 कमा रहे, 500 कमा रहे, ये जो 500 कमा रहे, असल में 500 वाली चीज हजार में दे रहा था ना, 500 वाली चीज हजार में दे रहे ना, तो 500 वाली चीज हजार में कैसे दे रहे, उसने पांच किस्तें बना दी हैं 200 की, तो कितने मांग रहे, कितने वाली चीज के, तो कमा कितना रहे, 500। इस 500 का ब्रेकअप क्या है, उसमें से 140 ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा है और बाकी इंटरेस्ट। चलें ये बात तो छोड़ने पर, ऐसे मैंने बीच में कर दी, ये बताएं ये फिगर्स कहां से आती हैं, जर्नल एंट्री से, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, और ये कहां से आती है, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से आती है। अच्छा अब देखें, वो जो आपके दिल में एक थोड़ी सी बात आ रही थी ना, कुछ लोग सोच भी रहे थे करने का कि यार कल की क्लास में होमवर्क नहीं दिया, ये कोई बात नहीं होती, तो तो उनके लिए ना मैंने ये एक ऑपरेटिंग लीज का होमवर्क सेमी एनुअल वाला रखा है, तो इस पर आपके 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा मुझे आप बता दें कि ये जो मैंने एप्पल बी जैसा सवाल कराया है, इसी तरह का एक सवाल है एवोकाडो, ये कितने मिनट में हो सकेगा? 100% सेम सवाल है, लेकिन फिगर्स थोड़ी चेंज होंगी। 20 मिनट इसमें कर लें, चलें जनरल एंट्रीज हैं 2 सालों की, और 1 साल का, 2 साल का नोट है, 2 साल का नोट है, कितने मिनट लग जाएंगे, 15-20 मिनट, नहीं 15-20 से ज़्यादा ना लगाइएगा, आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे होंगे। और ये ऑपरेटिंग लीज में सेमी एनुअल है, चलें 20 मिनट कर लें इसमें, तो ये 2 सवाल आपने करने हैं। अच्छा कल वाले नोट्स में आए, पेज नंबर 9, कल वाले नोट्स पेज नंबर 9, हेडिंग पढ़े जी क्या लिखा हुआ है, डिस्क्लोजर्स फॉर लेसर, कौन सी लीज, फाइनेंस लीज, कौन सी लीज। अच्छा जी इधर ऊपर देखो यार, ये सेलिंग प्रॉफिट आया था अभी, जिसे मैंने जीपी कहा था, ये सिर्फ किस लेसर का आया करेगा, और क्लियर, सिंपल लेसर का क्यों नहीं आता, ये सेलिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जिसे कहते हैं। हाँ कल वाले नोट्स पे इसे जीपी लिख लें,
और कौन सा प्रॉफिट आता है लेसर को जरा सोच के बताएं, इंटरेस्ट इनकम, जिसका नाम क्या है, ऑन नेट इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा हुआ है इसने, देखें इधर, नेट इन्वेस्टमेंट भी तो रेट लगता है ना, नेट पे रेट लग के निकलता है। अच्छा ये कोई वेरिएबल लीज पेमेंट्स होती हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक लफ्ज बस याद रख लें, वेरिएबल लीज पेमेंट भी लेसर का डिस्क्लोजर है, वेरिएबल लीज पेमेंट भी लेसर का महंगाई की वजह से ना कई दफा किस्तें बढ़ा देता है, वो चीज हमारे स्कोप में नहीं है। अच्छा चलो यार काफी हो गया, छोड़ो परे, एक दो दो चीजें टेक कर लूं, डी को छोड़ें, ये भी एक डिस्क्लोजर है लेसर का, ये भी एक डिस्क्लोजर है लेसर का, तो लेसर के डिस्क्लोजर जरा जबानी याद करें, नंबर वन सेलिंग प्रॉफिट, ये भी पी एंड एल में नजर आ जाते हैं वैसे, ये तो अभी दिखाया था एक लंबी सी लाइन जो अभी बनाई थी, दूसरा डिस्क्लोजर इंटरेस्ट, ये याद नहीं करने, स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं, ये याद नहीं करने, लेसर के डिस्क्लोजर बताएं जल्दी जल्दी, सेलिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम, वेरिएबल लीज पेमेंट और रिकंसिलिएशन, बस ये एक डिस्क्लोजर है, ये कल देख लेंगे, ओवर, टेस्ट दे